पटना के नेपाली नगर में लगातार प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है और इस इलाके में तकरीबन 90 अवैध निर्माण जो है उनको गिराने का काम आज सुबह से ही चल रहा है। आपको हम तस्वीरें एक बार फिर से नेपाली नगर इलाके की दिखा रहे हैं। आप सुबह से देखिए किस तरीके से आज तकरीबन 5:30 बजे 14 बुलडोजर और 2000 से भी ज्यादा पुलिस बल के साथ प्रशासन मौके पर पहुंचा और फिर अवैध निर्माण को गिराने का काम शुरू कर दिया गया है और लगातार जो है अवैध निर्माणों को जो है गिराया जा रहा है। पटना डीएम से हमारी बात हुई है और उन्होंने जानकारी दी है कि इस दौरान स्थानीय लोगों ने जो है काफ़ी विरोध किया है ये जो अवैध निर्माणों को गिराया जा रहा है और फिर जमकर पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच में पत्थरबाजी भी हुई है। स्थानीय लोगों ने बता रहे हैं कि प्रशासन के लोग की छत पे पत्थर रखे हुए थे और छत पे से प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी की, जिसमें जो सिटी एसपी हैं सेंट्रल अमरीश राहुल वो बुरी तरीके से घायल हो गए हैं और 2 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए हैं। और इस पूरे जो हिंसा हुई है उसमें पुलिस ने अब तक 12 स्थानीय लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है जो पत्थरबाजी कर रहे थे और बाकी लोग जो चेहरे पर नकाब डाले हुए थे और अपने चेहरे को ढका हुआ था उन लोगों की जो है पहचान की जा रही है वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर। लेकिन यहाँ लगातार आप देखिए नेपाली नगर में जो अवैध निर्माण है उनको यहाँ पर ढाया जा रहा है। 1 महीने पहले जो है सभी को नोटिस भी दिया गया था, उसके बावजूद भी जब मकान खाली नहीं किया गया है तो आज सुबह से ही प्रशासन का बुलडोजर जो है वो इस इलाके में गरज रहा है। चंद्रशेखर सिंह पटना डीएम इस वक्त यहाँ पर है। सर काफ़ी हिंसा भी देखने को मिली है बुलडोजर से जब मकानों को गिराया जा रहा है तो नहीं, कुछ लोग इकट्ठा होकर के असामाजिक तत्व तो हिंसक गतिविधि किए हैं, पत्थरबाजी किए हैं, आगजनी किए हैं, उनके खिलाफ सख्ती से हम लोग निपटे हैं और सबको खदेड़ दिया गया है और 1 दर्जन से अधिक लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। जो लोग भी इसमें शामिल हैं हम लोग वीडियो फुटेज से भी उनको चिन्हित कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर FIR करके गिरफ्तार करेंगे। पुलिस की तरफ से भी काफ़ी लोगों को चोटें आई हैं, सिटी SP भी घायल हुए हैं। हाँ, 2 जवानों को चोट आई है और सिटी SP सेंट्रल हैं उनको जो है वो कांच लग गया है फेस पर और हाथ में, हल्की चोट उनको भी आई है लेकिन कोई गंभीर नहीं है, खतरे से बाहर हैं सभी लोग और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। चारों तरफ हम लोगों ने घूम के देख लिया है और अपने कब्जे में ले लिया है। लगातार पत्थरबाजी चल रही है दूसरी तरफ से और पुलिस भी आंसू गैस के गोले चला रही है। हाँ, शुरुआती दौर में नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और उसके बाद हल्का बल प्रयोग भी किया गया है, लाठीचार्ज भी किया गया है, लेकिन अभी पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है, सबको खदेड़ दिया गया है। तो मामला बता दीजिए, ये 70 मकानों को क्यों तोड़ा जा रहा है? 70 नहीं, टोटल 90 हैं स्ट्रक्चर इसमें संरचना और अधिकांश अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसमें कोई रह नहीं रहा है। सिर्फ दक्षिणी जो हमारी 4 दीवार या सीमा है उस पर 4-5 मकान हैं जिसमें कुछ लोग रह रहे हैं, तो उनको पर्याप्त समय दिया गया है खाली करने के लिए। कुल 90 संरचनाएं हैं जिनको तोड़ा जा रहा है। ये क्या आवास बोर्ड के जमीन पर अवैध तरीके से बना हुआ है क्या? बिल्कुल अवैध तरीके से आवास बोर्ड की अर्जित जमीन है और उस पर लैंड माफिया इसमें शामिल हैं और भू माफिया सब आपस में गठबंधन करके और इसका इनफॉर्मल क्रय विक्रय करके भोले भाले लोगों को फंसा करके क्रय विक्रय कर रहे हैं, जबकि इसके क्रय विक्रय पर रोक है, खरीद बिक्री पर रोक है। 1 महीने पहले भी आप लोगों ने नोटिस दिया था, उसके बावजूद भी मकान खाली नहीं हुए सारे? हाँ, इसीलिए आज बलपूर्वक खाली कराया जा रहा है। नोटिस दिया गया, आम सूचना की गई, अखबार में प्रकाशन किया गया और इसके बाद नहीं किए तो आज बलपूर्वक कराया जा रहा है, इसको हम लोग कराएंगे। आखिरी सवाल, तो आज पूरा ये आप लोग जितने भी लीगल कंस्ट्रक्शन है इसको आप लोग गिरा देंगे? पूरी तरह से सभी अवैध संरचनाओं को तोड़ दिया जाएगा और हम लोग यहाँ हैं, कैंप कर रहे हैं और पूरा सब जब तक हम लोगों के तोड़ करके कब्जे में नहीं आ जाएगा तब तक ऑपरेशन। गिरफ्तारी कितने लोगों की हुई है? अभी 1 दर्जन लोगों की हुई है, बाकी और लोगों की वीडियो फुटेज के आधार पर हम लोग पहचान कर रहे हैं जो पत्थरबाजी की है, आगजनी की। सभी जो अवैध निर्माण है उनको ढाया जा रहा है, हालांकि हिंसा पर जो है अब काबू पाया जा चुका है। डीएम ने बताया कि हालात अब नियंत्रण में हैं और प्रशासन जो है आज सभी अवैध निर्माणों को जो है वो जमींदोज कर देगा।